नमस्कार दोस्तों, स्वीटन शनिवार में हाजिर हूं मैं आपके सामने स्पीकर से संबंधित कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए। आज का टॉपिक है BL, जिसे आपने स्पीकर्स के स्पेसिफिकेशन में देखा होगा। BL जो है TS पैरामीटर का एक पार्ट है। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि BL क्या होता है, इसकी जो नंबर्स दिए हुए रहते हैं BL की वैल्यू वो क्या काम में आती है, इससे हम स्पीकर कैसे चुन सकते हैं, और हाँ लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप चेक कर पाएंगे कि जो कंपनीज BL की वैल्यू देती हैं क्या वो सही है या गलत है। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही अनुरोध करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव मानते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके अपने स्नेह को मेरे प्रति प्रदान करिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। BL का मतलब समझने के लिए हमें दो शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। एक होता है B और एक होता है L। ये जो बी वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, कि एक स्पीकर की मैग्नेटिक फील्ड की कितनी क्षमता है। और एल जो है, एल होती है वॉइस कॉइल जो होती है उसमें जो वायर की लेंथ होती है उसे हम एल बोलते हैं, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो BL निकल के आता है। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो BL का मतलब होता है कि एक स्पीकर कितना एफिशिएंट है अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, वो BL की वैल्यू से समझ में आती है। अगर BL की वैल्यू हाई है तो वो अच्छे से एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी साउंड प्रोड्यूस करता है। और अगर BL की वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि वो उतने अच्छे से एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए साउंड अच्छी नहीं आ रही है। BL के इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूँ कि स्पीकर साउंड आवाज़ कैसे निकालता है, क्या मैकेनिज्म है जिससे स्पीकर आवाज़ रिप्रोड्यूस करता है। तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि स्पीकर कैसे आवाज़ निकालता है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि स्पीकर से साउंड कैसे रिप्रोड्यूस किया जाता है। उसके लिए मैं आपके सामने लाया हूँ 18 PT 1500 सब, जो हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सब वूफर है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि स्पीकर कैसे साउंड रिप्रोड्यूस करता है। ये है स्पीकर 1500 वाट का, जिसका ये फ्रेम है जिसे हम बास्केट भी कहते हैं, और नीचे जो है ये है अपना मैग्नेट मोटर स्ट्रक्चर जिसमें टॉप प्लेट है, मैग्नेट है और साथ में नीचे बॉटम प्लेट है। ये जो मैग्नेट है अभी चार्ज नहीं है, जब इसे चार्ज करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसे हम ऐसे सेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं सॉफ्ट पार्ट्स की तरफ। तो ये है अपना कोन पेपर, ये आ गया अपना स्पाइडर, और ये है वॉइस कॉइल जो कॉपर में है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से और लीड वायर जो यहाँ पर है, इसके कॉम्बिनेशन को हम मूविंग पार्ट ऑफ लाउड स्पीकर कहते हैं। इसको अगर हम सेट करते हैं स्पीकर में तो ये इस तरीके से सेट होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट करने के लिए तैयार है। अब देखिए दोस्तों, ये जो लीड वायर है, इस लीड वायर से एम्पलीफायर कनेक्ट होता है और एम्पलीफायर से इसमें करंट आता है जो कि वॉइस कॉइल पर जाता है। अब ये वॉइस कॉइल पर, ये कॉपर की है, इस पर जब करंट जाता है तो इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब हम इसको इस स्पीकर में बिठाते हैं तो ये जो करंट अंदर में जा रही है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो स्पीकर के इस परमानेंट मैग्नेट से इंटरैक्ट करता है। हम एसी करंट पास कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो करंट है कॉइल में वो प्लस माइनस होता है, जिसके कारण क्या होती है, जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी पोलैरिटी चेंज करती है, और उसी कारण से ये अप डाउन करने लग जाता है। और जब ये अप डाउन करता है कोन की मूवमेंट से, तो इसके ऊपर जो हवा है वो उसे पुश करता है, इस तरीके से पुश करता है। और जब ये पुश करता है, हवा में जो मूवमेंट होती है उसके कारण साउंड रिप्रोड्यूस होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एक लाउड स्पीकर साउंड कैसे रिप्रोड्यूस करता है। उम्मीद है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि स्पीकर साउंड रिप्रोड्यूस कैसे करता है। अब इसी को लेके मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसमें BL का क्या रोल है। उदाहरण के रूप में आप समझिए कि आप ये जानते हैं कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल आपकी शक्ति पे चलती है।
आप जितने जोर से पैडल मारेंगे साइकिल उतनी ही जोर से आगे बढ़ेगी। उसी तरीके से स्पीकर में BL जो है वो हमारा शक्ति स्वरूप है। अगर हमारी पैडल मारने की शक्ति अगर कम है तो साइकिल कम स्पीड में चलती है। उसी तरीके से अगर BL कम रहेगी स्पीकर की तो स्पीकर के कोन का मूवमेंट जो है वो हल्का रहेगा, इसलिए साउंड हल्का प्रोड्यूस होगा। वहीं पर ही अगर BL ज़्यादा हुआ, कोन ज़्यादा हिलेगा, कोन ज़्यादा हिलेगा तो हवा ज़्यादा हिलेगी, इसलिए साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई स्पीकर की BL की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो एक लाउड और क्लियर साउंड देने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर वहीं उसकी BL की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये है कि वो शायद उतना क्लियर और लाउड साउंड ना दे पाए। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सिर्फ यही वैल्यू को लेके आप डिसाइड नहीं कर सकते कि स्पीकर अच्छा है कि ख़राब है। बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं जिसे देख के हमें डिसाइड करना चाहिए। BL एकमात्र आपको इंडिकेशन देता है कि स्पीकर कैसा होगा। ये तो हमने जान लिया कि BL की वैल्यू को देख के हम स्पीकर कैसे डिसाइड कर सकते हैं या आशा कर सकते हैं कि स्पीकर कैसा परफॉर्म करेगा। लेकिन जो वैल्यू दी हुई है स्पेसिफिकेशन में, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसे चेक करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। उस फॉर्मूला को यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि BL की वो वैल्यू सही है कि नहीं है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूँ जिसे यूज़ करके आप चेक कर पाएंगे कि BL की वैल्यू जो स्पेसिफाई की हुई है वो सही है कि नहीं है। वो फॉर्मूला है BL इज इक्वल टू 2.51 इंटू FS जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंटू RE जो है DC रेजिस्टेंस और MMS जो होता है हमारे जो स्पीकर की जो मूविंग पार्ट्स होती हैं और जो उसके ऊपर एयर रहता है उसका वजन, डिवाइडेड बाई QES जो हमारे इलेक्ट्रिकल क्वालिटी यूनिट को संबोधित करता है। QES और MMS के ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगा और इन सबका स्क्वायर रूट। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि इस फॉर्मूला को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं लेने वाला हूँ हमारा एक सबसे अच्छा सब वूफर जो है 18 इंच में 1500 वाट 18 PT 1500 सब। उसकी वैल्यूज़ जो है वो दी हुई है हमारे स्पेसिफिकेशंस में। उसका जो प्रिंटेड BL वैल्यू है वो है 29.75 टेस्ला मीटर। अब इसी वैल्यू को हम चेक करेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू कि ये सही या आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए उसे चेक करते हैं। उसके लिए हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू 2.51 इनटू उसकी FS की वैल्यू दी हुई है 43 हर्ट्ज इनटू 5.9 जो है उसकी RE इनटू 0.231। आप देख सकते हैं कि 231 ग्राम्स दिया हुआ है जिसे हमें kg में लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए 0.231 kgs। उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 0.42 यानी जो QES वैल्यू है उसको लेके हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। निकालने से क्या आएगा इज इक्वल टू 2.51 इनटू इसकी वैल्यू आ गई है 11.813। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ रही है 29.65 टेस्ला मीटर जो कि हमारे जो प्रिंटेड वैल्यू है उससे एकदम नज़दीक आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वैल्यू है 29.75 ये करेक्ट वैल्यू है। इसी तरीके से दोस्तों आप और भी कंपनीज के BL की वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं और ये जान पाएंगे कि वो BL की वैल्यू सही है कि नहीं है, और उसके बाद आप कंपेयर करके ये डिसाइड कर पाएंगे कि BL के वैल्यू के बेसिस पे स्पीकर का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। आशा करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि BL क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं और स्पीकर खरीदने में किस तरीके से BL के फिगर्स को आप अपने डिसीजन का एक पार्ट बना सकते हैं। अगर इस टॉपिक पे कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हर इस साल की तरह अगले साल भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स स्पीकर रिलेटेड लेके आएँ और कुछ कन्फ्यूजन्स जो रह गई हैं उसे दूर करें और कुछ ऐसी बातें बताएं जो स्पीकर्स के बारे में आपके लिए नई हों। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।